प्रिय दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आज हिंदू धर्म का नया संवत, नया साल प्रारंभ हो रहा है 2075। इस उपलक्ष्य में मैं अभी सभी श्रोताओं को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, फलते रहें फूलते रहें। आज मेरी इच्छा हुई है कि 12 राशियों का ये वर्ष कैसा रहेगा, संवत 2075, उसके बारे में आपको बताऊं, क्योंकि समय वीडियो कम समय में बनता है, इसलिए पूरा डिटेल तो हम नहीं आपको बता सकते हैं, मगर मेष राशि से लेके मीन राशि तक मुख्य जो भावार्थ है वो मैं बताने जा रहा हूँ। आप सभी लोग अपनी अपनी राशियों को सुनिए, उसका आनंद लीजिए। कोई अधिक जानकारी लेना है तो मेरे मोबाइल से आप लोग कॉन्टैक्ट करिएगा। मेरा मोबाइल नंबर 9425308111 है। एक बार फिर मोबाइल नंबर सुन लीजिए, 9425308111। कैसा रहेगा नया वर्ष संवत 2075। मेष राशि वाले बहुत कष्ट सहे, अब वो उनके लिए खुशहाली है कि नया साल नया वर्ष संवत 2075 उनके लिए शुभ रहेगा। उनके रुके कार्य पूरे होंगे, विद्यार्थी हैं तो उनकी शिक्षा में उन्नति होगी, बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिलेगी, कुंवारे हैं तो उनकी शादी होगी। ऋषभ राशि वालों के लिए भी वर्ष अच्छा है, खर्च अधिक रहेगा, इनकम कम रहेगा, तब भी रुके कार्य में सफलता मिलेगी, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2075 मिला जुला है, इनको भाग दौड़ अधिक करना पड़ेगा, इनकम तो अवश्य बढ़ेगी मगर खर्च भी बढ़ेंगे, अकारण इनके शत्रु पैदा होंगे मगर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, जिनके स्वास्थ्य गड़बड़ है उनके स्वास्थ्य में लाभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए नया वर्ष संवत 2075 अच्छा है, उन्हीं के राशि में राहु चल रहा है, केवल उनको उधर रोग होगा, उनकी शिक्षा प्राप्ति होगी, बेरोजगार है नौकरी मिलेगा, यात्रा का योग बनेगा, नया वाहन सुख मिलेगा, शुभ कार्य होंगे। सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2075 बहुत अच्छा है, विद्यार्थी हैं तो अच्छी शिक्षा प्राप्त होंगे, बेरोजगार हैं तो अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी, व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार में सफलता मिलेगी, रुके धन की प्राप्ति होगी और शुभ समाचार मिलेगा। कन्या राशि के लिए संवत 2075 अच्छा नहीं है, इनको मानसिक पीड़ा होगी, स्वास्थ्य में गड़बड़ी होगी, कार्य में रुकावट होगी, धन की हानि होगी। तुला राशि वाले के लिए संवत 2075 नया वर्ष अच्छा रहेगा, इनके रुके कार्य में उन्नति होंगे, शुभ कार्य होंगे, शादी संपन्न होगा, पारिवारिक जीवन में इनका सुखदायी रहेगा, केस मुकदमा में विजय पाएंगे। वृश्चिक राशि वाले खुश रहें, संवत 2075 वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा है, इनके रुके धन की प्राप्ति होगी, यात्रा बनेगा, निर्माण कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे, स्वास्थ्य लाभ होगा, परंतु खर्च बढ़ेंगे। धनु राशि वालों के लिए ये वर्ष संवत 2075 बहुत अच्छा है, इनको इनकी उन्नति होगी, पदोन्नति होगी, व्यापार में उन्नति होगी, अच्छे कार्य होंगे, निर्माण कार्य होंगे। मकर राशि वालों के लिए यह वर्ष अच्छा नहीं है, इनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी होगी, धन की हानि होगी, पारिवारिक कलह होंगे, शत्रु अधिक पैदा होंगे, धन की हानि होगी। कुंभ राशि वालों के लिए भी ये वर्ष अच्छा नहीं है, उन नौकरी वालों के लिए भी उन्नति में रुकावट आएगी, व्यापारी हैं तो व्यापार में उलझन रहेगा, इनकम से अधिक खर्च होंगे,
अकारण गलत यात्रा बनेगा, शारीरिक कष्ट होगा, विद्यार्थी हैं तो उनका शिक्षा में रुझान कम होगा। मीन राशि वालों के लिए ये वर्ष लाभदायक है, विदेश जाने का योग बनेगा, बेरोजगार हैं तो नौकरी प्राप्त करेंगे, व्यापारी हैं तो व्यापार में उन्नति करेंगे, रुके धन की प्राप्ति होगी, शुभ कार्य होंगे, वाहन सुख मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी, पारिवारिक सुख मिलेगा। दोस्तों इतना कह कर के ये नए साल का आपके 12 राशियों का वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग इसका आनंद लीजिए और किसी प्रकार का भी कोई कठिनाई हो तो मेरे मोबाइल पर संपर्क करिए। नमस्कार।